शांति सदा ही रूहानी मस्ती में मस्त रहने वाली प्रभु की मस्तानी गोपिका आदरणीय राजयोगिनी गोपी बहन जी हम सब के बीच में विराजमान है। हम एक हाथ हिलाते हुए आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लौकिक और अलौकिक दोनों ही जन्म आपके अफ्रीका की धरनी पर हुए और लौकिक और अलौकिक पढ़ाई का बीज भी अफ्रीका की धरनी पर ही पड़ा, लेकिन फिर उस पढ़ाई को आगे जारी रखा लंदन में जाकर, कि जहाँ दादी जानकी का भी बहुत बड़ा सानिध्य आपको मिला। तो करीब 40 वर्षों से भी अधिक समय से आप राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और 30 से भी अधिक वर्षों से आप बाबा के घर में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और 25 से भी अधिक वर्षों से आप पूरे विश्व भर में भ्रमण करते हैं बाबा का संदेश सब तक पहुंचाने के लिए। विशेष करके यूथ लीडर्स, विमेन लीडर्स जो होते हैं और साथ साथ जो हमारे मिनिस्ट्रीज होती हैं, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बिजनेस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एनजीओस होते हैं, इन सब में जाकर आप बाबा का ज्ञान इनडायरेक्टली वैल्यूज़ के आधार पर सुनाते हैं कि चाहे हम किसी भी क्षेत्र में क्यों नहीं हो, हमें हमारे जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है, तब हमें जीवन में सफलता हासिल होती है। खास इस चीज़ को मुख्य फोकल पॉइंट बनाकर आप देश विदेश में भ्रमण करते हैं और बाबा की ब्राह्मण बच्चों की भी सेवाएं करते हैं, तो वो बच्चे जो अभी बाबा के बने नहीं हैं लेकिन बाबा के उनको बनाना है, उनकी सेवा में लगे रहते हैं और यहाँ मधुबन में भी आकर यज्ञ के कारोबार में अपनी सेवाएं देते हैं। तो आज हमने आपको बहुत सुंदर विषय दिया है, क्योंकि कल पूरे देश भर में तो क्या विश्व भर में महिला दिवस मनाया गया। कौन सा थीम रहा? जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, स्थायी कल के लिए लैंगिक, आज हमारे बीच में क्या होनी चाहिए? लैंगिक समानता। तो दुनिया में तो भौतिक दृष्टि है, दैहिक दृष्टि है और इसलिए लैंगिक समानता की बात आती है, लेकिन बाबा ने हमारी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि बना दिया, बेहद की दृष्टि बना दिया। तो अब वो तो समानता है कि हम सब आत्मा है, वहाँ सवाल नहीं उठता है। और चूंकि हर आत्मा के संस्कार अलग अलग होते हैं, वो भी हमें ज्ञान है, लेकिन अब ज़रूरत है कि अलग अलग संस्कार होते हुए भी जब हम संगठन में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने परिवार में, अपने व्यवसाय में लोगों के बीच रहते हैं, तो संस्कार मिलन की रास कैसे करें, तभी हमारा आने वाला कल स्थायी हो सकता है। तो हम दीदी से सुनेंगे उनके अनुभव के आधार से कि संस्कार मिलन करने के लिए प्रैक्टिकल युक्तियाँ क्या है। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। पता नहीं आप लोगों के साथ इतनी अपनापन की फीलिंग लग रही है, लग रही है ना? नहीं, जैसे हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं, बार बार मिले हुए हैं। और मुझे ये फीलिंग आई थी योग के समय में कि देखो बाबा के ब्राह्मण बच्चे इतने ब्यूटीफुल है, इतने सुंदर है, बाबा की लाइट
चमकती है इनके चेहरों से। आप लौकिक संगठन में भी बैठेंगे ना तो भी आपको बाबा का बच्चा पता चलेगा, क्योंकि चेहरे से लाइट निकलती है। और ये एक बहुत अनोखा लाइट है, वेरी यूनिक लाइट। तो जितना भय, चिंता, डर, नहीं क्या कहते हैं, अंधेरा बढ़ता है हमारे सृष्टि में, उतनी बाबा के बच्चे स्पेशल स्टार्स के रूप में दिखाई देते हैं। आप सभी मानते हो कि आप स्पेशल स्टार हो? मानते हो? वन थर्ड ग्रुप ने हाथ ऊंचा किया, बाकी और क्या मानते हो अपने आप? क्योंकि मूल आधार है स्मृति पे। जैसी स्मृति होती है वैसी वृत्ति होती है, वैसी वृत्ति होती है ऐसी दृष्टि होती है, ऐसी दृष्टि होती है वैसी कृति होती है, और फिर हमारा संसार बनता है। मुझे पता है यज्ञ में, लाइफ में विस्तार तो बहुत हुआ है, लेकिन इस विस्तार में हमको साधारण नहीं बनना है। मैं एक विशेष बाबा की बच्ची या बाबा का बच्चा हूं, बाबा की दृष्टि मेरे पर सदा है। जैसे बाबा की दृष्टि एक छत्र छाया के माफिक मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है। जब ये अंदर से फीलिंग आती है ना, विशेषता की फीलिंग, स्पेशलनेस की फीलिंग आती है, तभी आप देखो आपको अच्छा ही अच्छा ही दिखाई देगा। और जब अच्छा ही दिखाई देता है तो संस्कार टकराव की कहां बात आती है? टकराव शुरू होता है कहां से? कहां से शुरू होता है टकराव? किसी के बोलने से शुरू होता है टकराव? कहां शुरू होता है टकराव? हाँ, संकल्प से शुरू होता है। ठीक है, संकल्प उत्पन्न कहां से होता है? सिचुएशन से। अच्छा, आप सिचुएशन आपकी संकल्प को क्रिएट करता है। अच्छा, माना आप अपने संकल्प के ऊपर मास्टरी नहीं है तो संकल्प बाहर से आता है। हाँ, अच्छा, टकराव कहां से शुरू होता है? कॉन्शियसनेस, मैंपन या मेरापन, पहले टकराव वहां से शुरू होती है। मैं बहुत बारी ये उदाहरण देती हूं और आपको प्रैक्टिकल में आज दूंगी। हम इतने आदती है कुछ चीज को जल्दी मेरा करने का। आप जो भी सीट पे बैठे हो, अभी बाथरूम में जाएंगे वापस कहाँ आएंगे? वही सीट पे आएंगे ना। कोई और बैठा होगा तो संकल्प क्या उठेगा? ये मेरी सीट है। अच्छा, 20-15 मिनट में आपकी सीट हो गई क्या? टकराव का बीज कहाँ से शुरू हुआ? हाँ, क्लियर एग्जांपल है आपके लिए, मेरी सीट है। है तो आपकी नहीं, वास्तव में कुछ आपका है ही नहीं, लेकिन बस 5 मिनट बैठे रहे, ये मेरी है। इतना जल्दी से जल्दी ये जो मेरापन की जो आदत है, वेरी डीप इन ह्यूमन नेचर, वेरी डीप। कोई भी सेवाएं करेंगे, नहीं मेरी सेवा है, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो बीच में? मुझे याद है एक, पता नहीं, एक भाई था हमारा, नेशनल कोऑर्डिनेटर था ग्रीस का। तो वहाँ ग्रीस की माताएं बहुत अच्छा अच्छा खाना पकाती हैं,
तो उसके 10 माताएं थी, तो हर एक व्यक्ति की आप मेरा खाना खाओ, मैं आपके लिए खाना बनाऊँ, आप मेरा खाना खाओ। तो एक दिन इसने सभी को कैंसिल कर दिया, मैं किसी का भी खाना नहीं खाऊंगा, 10 दिन फ्रूट पे जीऊंगा। होता है ना, ये बहुत डीप आदत है। जो मैं आपको बताऊं, हमने दादियों में ये देखा नहीं, उन्होंने तोड़ा है, लोक लाज को तोड़ा है, मैंपन को तोड़ा है, मेरापन से दूर रहे हैं। क्योंकि रियलिटी में क्या है, कुछ है आपका? आप जो कपड़े पहन रहे हो, आपने मटेरियल बनाया था क्या? आपने सिलाया था क्या? पैसे भी क्या आपने नोट बनाई थी क्या? और नोट के मटेरियल्स आप कहाँ से लेके आए थे? क्या है रियलिटी में आपका? आप जिस घर में बैठे हो, आपने खुद घर बनाया था क्या? किसका है? ये एक कुर्सी भी 5 लोगों का सहयोग से बनता है, प्रकृति के सहयोग से बनता है। तो सारी हमारी सृष्टि एक सहयोग के कनेक्शन से चल रही है, हर एक बात का। आप यहां तक पहुंचे, आपको गाड़ी का सहयोग मिला, ट्रेन का सहयोग मिला, आपको भोजन का सहयोग मिल रहा है, अकोमोडेशन का सहयोग, आप मेरा मेरा किसको कहेंगे? किसको कहेंगे? किस चीज को कहेंगे? तो ये एक बहुत, मैं कहूंगी, जब हम आत्माभिमानी होते हैं ना, अंदर से एक प्रकार की ह्यूमिलिटी पैदा होती है। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो बस इस पूरी ड्रामा में एक छोटी सी एक्टर हूँ, और हर एक एक्टर के साथ पार्ट बजाना है, और सभी के सहयोग से सारा चल रहा है ना। कोई एक व्यक्ति कुछ सब कुछ कर तो नहीं रहा है। तो जब ये अंदर से एक बहुत गहरा रियलाइजेशन आता है ना कि हम सभी इंटरकनेक्टेड है, मेरा कुछ है ही नहीं, तो दिल से थैंक्स निकलता है। थैंक्स बाबा, इतना अच्छा ब्रह्मा भोजन मिला, थैंक्स इतनी अच्छी रहने की सुविधा मिली, थैंक्स बाबा घर मिला, थैंक्स धरती माँ आप हमको संभाल, भाग्य का थैंक्स निकलता है दिल से। जब ही थैंक्स निकलता है, टकराव की बात कहाँ है? आपको जो मिल रहा है, आपने अच्छे कर्म किए हैं, इस आधार से मिल रहा है आपको भाग्य। आपका क्या है? आपके ना कपड़े है, ना गाड़ी है आपकी, आपने बनाई नहीं है गाड़ी, ना घर है आपका, तो आपका है क्या? एक चीज जरूर है आपकी, क्या है? आप तो आत्मा हो, और एक चीज जो आप गारंटी से बोल सकते हो, हाँ कि ये मेरा है, बाबा अनादि संबंध है ना, अटूट अनादि संबंध, अविनाशी संबंध। आपने जितने भी, इस आत्मा ने जितनी भी शरीर लिया है, वो तो अनादि संबंध टूटा नहीं है ना। तो आत्मा और बाबा के बीच में एक अटूट संबंध है, इसीलिए बाबा कह सकता है मेरे बच्चे, और हम हक से कह सकते हैं मेरा बाबा, राइट? और इस संबंध में इतना सुकून मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, स्थिरता महसूस होती है, स्टेबिलिटी महसूस होती है, फ्रीडम महसूस होती है, करेक्ट? देह के संबंधों में फ्रीडम महसूस होती है? होती है? नहीं होती है ना। ये वंडर की बात है कि जब भी हमको ये रियलाइजेशन आती है, मैं कौन हूं और मैं किसकी हूं, तुरंत मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति होती है।
तो हम संगम युग के समय में क्यों नहीं आराम से जिए, इस संबंध के सपोर्ट के आधार से जिए, क्योंकि यही है एक बल, एक भरोसा, उसकी ही शक्ति हमको चला रही है। आप रियलिटी में जाकर के देखो कौन सी शक्ति आपको चला रही है, रियलिटी में। लाइट आत्मा है तो वो सुप्रीम लाइट से ही चलेगी ना। चलो हमने टेम्पररी विस्मृति होने के कारण हमने टेम्पररी अपना प्लग इधर उधर डाला, लेकिन कुछ मिला पाए पैसे का, लेकिन अंदर से संतुष्टि थी तो नहीं मिली। चलो धन है, दौलत है, अच्छे कपड़े है, सुविधा है, साधन है, खुशी तो नहीं है, अतीन्द्रिय सुख तो नहीं महसूस हो रहा है। समझ में आई बात? तो इसीलिए खुद को एकांत में बैठा करके समझाओ अपने आप को और इस चीज को फिट करो बुद्धि में, मेरा कुछ नहीं है। तब जाकर के आपको अंदर इतनी एक अच्छी फीलिंग पैदा होगी। बाबा ऑटोमेटिकली ऐसे कंबाइन रूप में महसूस होंगे आपको, आप देह के साथ जुड़े हुए हो, देह की फीलिंग के साथ जुड़े हुए हो, देह की सब सर्व संबंधों की फीलिंग के साथ जुड़े हुए हो। इसीलिए बाबा दूर महसूस होता है, क्योंकि आपने मेरा 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 पोतरा, मेरा धोतरा, मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे जो है, मेरे कार, मेरा ये, मेरा है, सब मेरा मेरा करके बैठे हो, तो बाबा बीच में कहाँ बैठ सकता है? वो फीलिंग ही नहीं आएंगी ना आपको। जब तक अंदर अपने आप को वो मेरेपन की फीलिंग से छुड़ाया नहीं है, तब तक बाबा बैठ नहीं सकता है आपके पास। तो दादियों ने ये किया है, इसलिए जहां पे भी दादियां घूमती थी ऐसे लगता था बाबा स्वयं आया है साथ में। नहीं, इसलिए दादी जानकी का बाबा कहते थे ना, विदेही ट्रस्टी, ट्रस्टी माना मेरा कुछ नहीं है, ये भाग्य मिला हुआ है। तो पूरी कॉन्शियसनेस बदलती है जीवन की। आप देखेंगे वर्तमान समय अनुसार जितनी भी साधन मिलती है किस व्यक्ति को, उतना इनफ नहीं है, उतनी कंप्लेंट्स भी बढ़ती जाती है, देखेंगे ना, बस ये चाहिए ये चाहिए, उतनी कंप्लेंट्स बढ़ती जाती है। जितनी फरियाद बढ़ती है उतनी याद में कमी आती है। क्या चाहिए हमको? आज दिन तक आप दादी के कमरे में आएंगे, बिल्कुल सिंपल, एक खटिया, एक टेबल, एक कुर्सी, आपको कुछ बाहर नहीं दिखाई देगा। तो खुद को सिंपल, सिंप्लिसिटी से चलाना, माना आप अपने स्वभाव को सरल बना देंगे। क्योंकि ज्यादातर होता है ना, चाहे या ना चाहो आपकी बुद्धि मन वहां जाएंगे। समझो आपने कुछ खरीद लिया, ठीक है, जरूरी नहीं था, पड़ा है, थोड़े समय के बाद मन तो खाएगा ना, चीज पड़ी है, ये आपकी मेंटल शक्ति को खींच रही है। जो चीज जरूरी नहीं है क्यों लो, वो एनर्जी आपके ऑर्बिट में क्यों लाओ? तो सिंप्लिसिटी माना जो जरूरी है इसके साथ रहो। और जितना आप अपने आप को सिंपल रखेंगे ना, आप देखेंगे स्वभाव इतना रिलैक्स रहेगा, क्योंकि मन स्वभाव के साथ कनेक्टेड है। स्वभाव हमारा टाइट क्यों हो जाता है? मेरा क्या धर से,
ईगो अटैचमेंट दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है. दोनों बेस्ट फ्रेंड्स, एक होगा दूसरा जरूर होगा साथ में. तो इसीलिए हमारा स्वभाव टाइट बन जाता है. भले हमारे पास सब कुछ है और स्वभाव टाइट होने के कारण हम सेंसिटिव बन जाते हैं. थोड़ा भी कोई कुछ बोले, क्यों बोला मेरे को, फीलिंग आ जाती है जल्दी, अच्छा नहीं लगता है, बस दूर हो जाओ इससे. लेकिन उस समय ये नहीं दिखाई देता है कि मेरे स्वभाव के टाइटनेस के कारण मैं सेंसिटिव हो गई हूं. क्यों? क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है. ये कनेक्शन देख रहे हो आप? फिर हम पूछते हैं बड़े टीचर्स को, अच्छा हम आत्म अभिमानी कैसे बने? रूट क्या है? लाइफस्टाइल. रूट क्या है? रहन सहन. रूट क्या है? मैंपन, मेरापन. कहां तक प्रैक्टिकल रूप में आपने इन दोनों बात को छोड़ा है, अपने आप को विदेही ट्रस्टी बनाया है? रूट ये है. ये सेटिंग कर देंगे ना, आप पे ही तपस्या ऑटोमेटिक, दिल हल्का रहेगा, ऑटोमेटिक अप्रिशिएशन की भावना आएगी, ऑटोमेटिक थैंक्स निकलेगा, थैंक्स बाबा, थैंक्स भाग्य, थैंक यू. और जो भी आपको गाली देने वाला है ना, उसको भी आप थैंक यू बोलेंगे. थैंक्स, क्योंकि मुझे सहन शक्ति का पेपर मिला. थैंक्स, कुछ तो प्रैक्टिस करने का चांस मिला. माना इतनी अच्छी एक डिटैच्ड वृत्ति बन जाती है जिसमें आप खेल में खेल सब कुछ समा सकते हो. कुछ बात सीरियसली नहीं लेना है. कुछ बात है ही नहीं सीरियस वास्तव में. माया एक बड़ा रूप बना करके आपके सामने रखती है, ये हुआ, वैसे हुआ, वो हुआ, भड़का हुआ रूप बना कर आप डर जाते हो, सीरियस बना देते हो. और फिर उस बात को अपना लिया, देखो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे साथ ऐसे हुआ. आपने स्टोरी बना दिया, जैसे भक्ति में कहानी बनाते हैं ना, स्टोरी में फंस गए. और फिर बार बार वो स्टोरी कहानी घूमते रहेंगी दिमाग में. और वो जैसे जितना आप उसको मनसा में शक्ति देंगे, उतनी आप उस स्टोरी को रियलिटी बना रहे हो. और वो प्रत्यक्ष होगा ही, और आप उस कहानी में फंस जाएंगे. आपने खुद कहानी बनाई अंदर से. हाँ, कहते हैं ना पॉलिटिशियंस के पास, इंग्लैंड में कहते हैं स्पिन डॉक्टर्स होते हैं. हर एक पॉलिटिशियन को एक स्पिन डॉक्टर होता है जिसका काम ही ये है, जो सत्य चीज है उसको दिखाना नहीं है, उसके आसपास में कुछ हवा में एक स्पिन, कुछ कहानी बना दो ताकि जो सत्य चीज है वो दिखाई ना देवे. माया यही करती है, कहानी बना देती है यहां पे. और आप उस कहानी को मान लेते हो, अपना लेते हो. उस समय बाबा बहुत दूर बैठ करके साक्षी होकर के आपको देख रहा है किसके चक्कर में आप फंस गए हो. और फिर वो कहानी रिपीट करके दे रहे, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे. जितनी बारी आप रिपीट करते रहेंगे उतनी बारी आप खुद अपने आप को इसमें फंसा रहे हो, जाल में फंसा रहे हो. इसे दादियों की एक ही युक्ति थी, चुप. जुबान को कंट्रोल में रखो तब ये कंट्रोल में आएगा. माया का एक ही काम है, एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के बीच में संघर्ष पैदा करना. आपको अकेला कर देंगी फिर अटैक कर देंगी, उसका यही धंधा है. तो मन में कभी किसी के प्रति कुछ बद्दुआ निकले, ऐसी फीलिंग आए, ये क्यों किया, वैसे क्यों आया, उस समय आप समझ लो माया आपके साथ कुछ खेल कर रही है. आपकी कमजोरी के द्वारा आपके मन को नचा रही है. आज बाबा ने इतना सुंदर शब्द यूज किया मुरली में, किस प्रकार का बुखार होता है, किस प्रकार का बुखार होता है किसी को दोषी बनाने के लिए, किसी से बदलाव लेने के लिए. ये किसका काम है?
रावण का काम, रिवेंज लेना किसका काम है? कोई अव्यक्त फरिश्ता का काम नहीं है। अभी माया रावण घुसी कैसे अंदर? आपने कोई मन का दरवाजा तो खुला ही रखा होगा, जरूर उसको बुलाया था, आओ चाय पीने के लिए, थोड़ा बिस्किट भी खिलाते हैं, फिर माया आपके पेंट्री में भी चली गई, फिर बिना देखते हुए सारा घर का कब्जा कर लिया, और आप खुद के घर में बैठे हुए आपका घर आपका जेल बन गया। इसलिए मन सताता रहता है, अरे क्या करे मेरा मन, मेरा मन। अरे मालिक कौन है? जो घर का मालिक है वो दास दासी बन गया, माया को मालिक बना दिया। और फिर हम आगे टीचर्स के सामने जाते, अच्छा माया के लिए हमको दो ना इस कहानी के लिए। अरे ज्ञान कहानियों के लिए नहीं है, ज्ञान आत्मा के लिए है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक देश में मैं गई थी, तो वहाँ पे यूरोप में है ये देश, तो वहाँ पे बहुत हमारे हिंदी के भाई बहने थे। उसमें क्या था कि एक भाई था जो 10 साल पहले उसने ज्ञान लिया था, तो उसके उसकी युगल भी ज्ञान में चल रही थी और वो भी अच्छी टीचर बन गई थी। तो मैंने सोचा मैं इनके शहर पे जा रही हूँ तो दोनों मिलेंगे, सभी परिवार वाले भी मिलेंगे। तो वो भाई आया एयरपोर्ट लेने के लिए, तो रास्ते में मुझे बता रहा है, बहन जी बहुत बड़ी घटनाएं हुई दो एक पहले। मैंने बोला क्या हुआ? कहता है जो मेरी युगल थी ना वो चली गई मुझे छोड़ के। बोला कैसे हुआ भाई, इतनी बड़ी टीचर थी, मुरली भी सुना रही थी। कहता पता नहीं कुछ काम पे कोई मिला होगा तो उसके साथ इलोप कर गई, सब कुछ छोड़ दिया, कुछ भी नहीं रहे, ओवरनाइट चली गई। तो उस समय आप सोचो कितनी डिसर्विस उस समय, ठीक है वो चली गई तो पूरा क्लास वाले से मिली, तो थोड़ा ज्ञान योग शेयर किया। फिर क्लास वाले बोला अच्छा बहन जी हमको बताओ ये क्यों चली गई। अच्छा मैंने फिर बोला ठीक है, अभी इस आपने जो अभी प्रश्न पूछा है मेरे से इसका कोई जवाब है क्या? आप रियलिटी में देखो, मैं क्या आपको जवाब दे सकती हूं इसका? इसका कर्म का हिसाब किताब है वो जाने, मैं थोड़ी इसका कर्म का हिसाब किताब का जवाब दूंगी। ज्ञान क्या कहता है? आपको ज्ञान यूज करना है तो क्या कहता है ज्ञान? हाँ खुद को देखना है, दूसरों को, और क्या कहता है ड्रामा? बिंदी लगाओ मूव ऑन। जो ड्रामा में उसका पार्ट था सो था, ओम शांति मूव ऑन। अभी आप ये सारे प्रश्न उठाएंगे इसके कर्म के हिसाब किताब के प्रति, और फिर इसके लिए आपको ज्ञान चाहिए? ये तो उल्टा चक्कर फिर आ रहे हो आप, समझ में आई बात? सारा टाइम ऐसे ही प्रश्न उठते हैं सभी से, सभी उल्टे चक्र फिराते हैं फिर ज्ञान के लिए मांगते हैं। मैंने बोला ज्ञान कहता है क्या? फुल स्टॉप मूव फॉरवर्ड। अभी अंदर से रूट होता है संस्कार, हिसाब किताब का रूट, कर्म बंधन का रूट संस्कार। वास्तव में देखा जाए तो आपका कर्म का हिसाब किताब आपके संस्कार के साथ है। बाद में वो संस्कार से आप कर्म में आते हो, ठीक है? कर्म के आने के कारण किसी और सिचुएशन या व्यक्ति या वस्तु के साथ एक हिसाब खुलता है, लेकिन रूट क्या है? संस्कार। अभी आप संस्कार को परिवर्तन करेंगे, रूट को परिवर्तन करेंगे तो हिसाब रह सकता है? नहीं रह सकता है। हम क्या करते हैं, हम ज्यादातर बाहर फोकस करते हैं, रूट को नहीं देखते हैं। तो संस्कार मिलन के लिए कुछ बाहर के ऊपर फोकस नहीं करना है, अपने रूट मूल संस्कार, कौन से संस्कार के आधार से ये
कर्म बंधन मेरे सामने आया है। कर्म बंधन जब होता है, हिसाब किताब होता है, तो ज्यादातर उसमें ये बीमारी रहती, पर चिंतन की बीमारी। बस इसके बारे में सारा दिन सोचते रहते हो, परिस्थिति के बारे में सारे दिन सोचते रहते हो। वो ही सोच आप साक्षी होकर के देखेंगे कि मेरे सोच ऐसे क्यों चलते हैं, कौन सा ये संस्कार है, ये कमजोरी क्या है। इसीलिए फर्स्ट स्टेप संस्कार मिलन तो ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि संस्कार मिलन ऑलरेडी है। ये भी सीक्रेट आप समझ लो, सत्युग में, सत्युग हमारा ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है, करेक्ट मानते हो ना आप? हमारे सत्युगी संस्कार हमारे सबसे मजबूत संस्कार है, मानते हो? करेक्ट। तो जो सत्युग में हमारा जो ऑटोमेटिक मिलन सार का था, वो हमारे ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है ना, तो हुआ पड़ा है ऑलरेडी, वो संस्कार मिलन हो गया है। बाकी बीच में मैंने अपने आप को समझा, समझ, बीच में जो माया रावण का इन्फ्लुएंस आया है, मैं मेरे पन के संस्कार आ गए हैं, मैंने इसको रियलाइज नहीं किया है। इसलिए बीच बीच में मैं मेरे के कारण से मैं धोखा खाती हूं, दूरी महसूस होती है सभी से, वो जो ओरिजिनल रियलिटी है वो महसूस नहीं होती है। तो इसीलिए बहुत गहरा फाउंडेशन चाहिए साक्षी दृष्टा की अवस्था का। यू हैव टू लुक एट योरसेल्फ एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर, तभी आपको साक्षी होकर के आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो कभी भी आप अपने संकल्पों से डरेंगे नहीं। संकल्प क्या है? इंफॉर्मेशन, डेटा है ना, और क्या, इंफॉर्मेशन है। मानते हो संकल्प इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन है, आपको वो इंफॉर्मेशन बता रही है। कहां से ये इंफॉर्मेशन आई है, जिस रूप से आ रही है वो आपको पता चलेगा। ये आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से आ रही है या बीच वाला रजोतमो के संस्कार से आ रही है। आप वो संस्कार, वो संकल्पों का लिस्ट बनाएंगे ना, तो भी आपको दिखाई देगा कौन सा संस्कार है। तब जाकर के आप उसका त्याग कर सकेंगे। संकल्प एक नेचुरल चीज है, ठीक है। संस्कार को त्याग करना है, वो फीलिंग को त्याग करना है जिस कारण से वो संकल्प उठता है। बहुत डीप मान्यताएं है, बिलीफ सिस्टम्स है इसके नीचे, फीलिंग्स है इसके नीचे। और जब तक आपने रियलाइज नहीं किया है कि ये फीलिंग मुझे चला रही है, बाबा की याद मुझे नहीं चला रही है, ये डर मुझे चला रहा है, या ये चिंता मुझे चला रही है, जब तक आपने ये महसूस नहीं किया और त्याग नहीं किया, तो ये आपके संबंधों में ये डर के आधार से चलेंगे। आपको कि कोई फ्रेंड नहीं दिखाई देगा, सबको एनिमी के रूप में देखेंगे। मेरा क्या, मेरे मेरा डिपार्टमेंट छीनने के लिए आए हैं, अंदर से डर होता है ना, मैं मेरा का, मेरे डिपार्टमेंट छीनने के लिए। सहयोगी कैसे बने? संस्कार मिलन किस आधार से होता है? गुणों का लेन देन के आधार से। सत्युग में क्या थे? गुणवान थे ना, सर्वगुण संपन्न, वर्चुज है संसार, संस्कार मिलन के आधार वर्चुज है। अंदर कुछ भी डर भय चिंता के आधार से आप चल रहे हो और आपकी सोच की धारा ऐसी चल रही है, माना उसका आधार कोई गुण नहीं है, तो आप कैसे किसको गुण देंगे, कैसे गुण का सहयोग देंगे, कैसे सहयोग लेंगे? अंडरस्टैंड, संस्कार मिलन का डांस है ऐसा, सहयोग देना सहयोग लेना, जो भी गुण चाहिए उसमें ले लो दे लो। मुझे याद है लंदन में कोई एक बहन थी, नई आई थी ज्ञान में, बड़ी प्रोफेशनल थी, तो उसको प्रोफेशनल होने के कारण पता है थोड़े सीधे होते हैं
एक्स वाई जेड ए बी सी ब्लैक वाइट होता है सब कुछ, ग्रे कुछ नहीं होता है बीच में। और बाबा के यज्ञ में बहुत सारे शेड्स होते हैं ब्लैक और वाइट के बीच में, और हर एक शेड के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। बाबा के यज्ञ में रहना है तो पेशेंस चाहिए, एडजस्टमेंट पावर चाहिए, ये दोनों शक्तियाँ बहुत जरूरी है संबंध में। हर एक अपने यूनिक नेचर लेकर के आया है, पैकेजिंग लेकर के आया है, तो इस बिचारी को सभी के साथ बनता नहीं था। तो हम बहनें उन दिनों में शुरू में तो हम ही शाम का भोजन बनाते थे टर्न्स लेकर के, माताएं सब दिन का भोजन बनाती थी, हम बहनें शाम का रोटा पे। तो हम ट्रैवलिंग बहुत करते थे, तो फिर उसको ड्यूटी दी गई थी कि वो उस दिन पे करे भोजन बनाए। तो मुझे पता चल गया उसको अपनी रीति से बनाना है, तो मैंने ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लिया। मैं फिर मैंने क्या युक्ति रचाई, मैं जैसे किचन में आती थी, जब भी मैं आती होती थी, मैं बोलती थी अच्छा आपका क्या प्लान है आज, मैं आपको कैसे सहयोग दूँ, आप मुझे बताओ क्या सब्जी काटनी है। जैसे मैंने बिल्कुल अपनी बुद्धि को बंद कर दिया, जो भी हम खाना बनाते वो मैंने बिल्कुल जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कुछ पता ही नहीं, बस आपका, ऐसे नहीं कि बस मैं जानती हूँ, मैं भी खाना पकाना जानती हूँ, मुझे छोड़ दो मैं कर लूँगी। नहीं नहीं, आपको क्या सहयोग चाहिए, अच्छा हाँ आपका क्या प्लान, हाँ बहुत अच्छा प्लान बनाया, अच्छा चल क्या करना है अभी। बिल्कुल ऐसे बन गई थी, क्योंकि इसकी कमी ही ये थी। धीरे धीरे एक डेढ़ साल में मैंने देखा ये धीरे धीरे गुप्त सहयोग करके करके उसके संबंधों में परिवर्तन आया। वो सीखने लगी कि औरों को कैसे सहयोग देना चाहिए, ऐसे नहीं कि अपना रोब दिखाए, पहले अपना एक्सपीरियंस दिखाओ, किसी को उठाना है ना। समझ में आई बात, दादियां हमारी ऐसी थी बिल्कुल छोटे बच्चे माफिक, ऐसे नहीं मैं बहुत बड़ी दादी हूं इतना बड़ा अनुभव है। एक तो ये फिट था, करण करावनहार अपना काम कर रहा है, दूसरा मैं छोटी बच्ची हूं, मैं बाबा की बच्ची हूं, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, सीखने की भावना थी। अभी छोटे बच्चे को टकराव होता है क्या, मैं मेरा होता है क्या, और सीखने की भावना होती है तो धक्का न तो नहीं खाते ना, सब बातों में सीखते हैं। तो अपने आप को मोल्ड करना है, ऐसे बनाना है। आपने ये शब्द बोला ईगो नहीं करने देता है, तो आपने मालिक किसको बनाया, जब तक आत्मविश्वास बैठता नहीं है तब तक आप मजबूरी से चलेंगे ज्ञान में। लेकिन ये डिसीजन भी आपके ऊपर है, आपको छुटकारा लेना है तो आप अभी दृढ़ संकल्प करके छुट्टी ले सकते हो। दिस इज द सीक्रेट, इट इज डाउन टू अ डिसीजन, हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू मेक दैट डिसीजन। हाँ, बट टू कम टू दैट वन सेकंड, नो वेरी डिफिकल्ट, डोंट से दिस वर्ड। दादी बहुत समय से हमको कहती थी आप चार शब्द डिक्शनरी से निकालो, बट डिफिकल्ट, हाउ और एक्सक्यूज, कुछ भी एक्सक्यूज बनाना, ये चार बातें डिक्शनरी से निकाल दो। बिकॉज योर लैंग्वेज इज शेपिंग योर माइंड सेट। सो जब तक आपने ये शब्द निकाले नहीं आपके डिक्शनरी से, बट डिफिकल्ट हाउ और एक्सक्यूसेस, तब तक वही कॉमेंट्री चलती रहेंगी। ज्ञान सुनते रहेंगे अच्छा अच्छा लगेगा, लेकिन कॉमेंट्री उल्टी चल रही है तो ज्ञान कुछ धारण नहीं हो रहा है। इसीलिए त्याग माना क्या, इस कॉमेंट्री का त्याग, दूर रहो इनसे, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। और फिर आप क्लीन क्लियर उस समय
बाबा के सामने बैठेगी, कुछ टच होगा, कुछ फिट होगा, कुछ धारण होगा, शक्ति मिलेगी। इसलिए हर बात में त्याग। देखो प्रैक्टिकल रूप में हम लेट आए, ठीक है, वहां से लेट थोड़ा निकले, गेस्ट को लेके आए, कई कई बातें बीच में हुई, ठीक है, हर एक बात को होता संकल्प आता है ना, पहुंचना है टाइम पे, लेट हो रहे, इतनी बारी उस संकल्प का त्याग किया है मैंने ऊपर आके समय, त्याग करना है ना। जब हम त्याग नहीं करेंगे लिमिटेड संकल्पों का, तो बाबा करण करावनार अपना कैसे कार्य कर सकता है, वो हमको देहभान में ले आती है। जो करना है सही रूप से करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, और आप पे ही बाबा सब कुछ कराता है। और हाँ ये जरूर देखना है, जहां पे हमारी गलती हुई है माफी जरूर मांगना चाहिए। ये बोझ उतरता है। हाँ अभी हम लोगों का तो नहीं देखना है, खुद का देखना है, ये भी बात है, वो तो अपने पार्ट के हिसाब से चलता है, लेकिन खुद का जो बोझ है वो किस आधार से चढ़ा हुआ है। क्योंकि एक मैंने झूठ बोल करके बोझ चढ़ाया है, या दूसरा मैंने दुख लेकर के बोझ चढ़ाया है। दुख देना भी मिस्टेक है, दुख लेना भी एक जबरदस्त मिस्टेक है। अभी बोझ उतारना है, कहां तक बोझ लेके घूमते रहेंगे। मुझे याद है एक पीरियड था लंदन में, जिसमें दादी स्टेज पे आके हाथ जोड़ के बोलती थी, मैंने किसी को भी दुख दिया होगा मैं माफी मांगती हूं, किसी ने भी मेरे से दुख लिया है मैं दिल से माफी मांगती। ये दिल से दादी का आवाज दिल से निकल रहा था उस समय, जैसे वो घड़ी आ गई थी। समझ लो कभी कभी होता है थकावट में कुछ बोल देते हैं, कुछ होता है, किसी ने दुख ले लिया, ना चाहने चलो दृष्टि नहीं दिया तो दुख ले लिया, तो वो फिर अंदर से होता है कि कोई भी आत्मा मेरे से दुख न लेवे, ये घड़ी आनी चाहिए अंदर। तब तक आप रहम दिल दया भाव वाले बन सकते हैं। और फिर सभी की दुआएं लेनी है ना, धंधा क्या है और हमारा, सेवादारी है। थैंक्स देती हूँ कि इतना चांस मिलता है सेवा करने का, आप सभी को मिलने के लिए, आप सभी की दुआएं लेने के लिए, मैं बस दुआओं की चोरी करती हूँ। बस दुआएं लेते रहो ना, क्या बड़ी बात है। और जितना दिल दुआओं का भरा हुआ रहता है इतना हम्बल होता है, पता है, थैंक्स अप्रिशिएशन प्यार में रहता है, क्या चाहिए। और मैंने देखा बाबा चलाता है, जब अंदर से आप ज्यादा संकल्प नहीं करते हैं ना, मैं मेरा का, मेरा शरीर का क्या होगा, मेरे तबीयत का क्या होगा, अरे आज मेरा ये बैग का हो गया, वो का हो गया, इस संकल्पों का त्याग करते हैं ना, बाबा शरीर चलाता है। मैंने देखा है बहुत बारी है। प्योर संकल्प रहता है ना कि दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है, मेरे भाई बहन में कब मिलूंगी, मैं क्यों चांस गंवाऊं, ये सवेरे अमृत वेले, जनवरी मास में तो -5 था, कंबल कितना कंफर्टेबल लगता होगा उस समय, -5 में कौन उठेगा। लेकिन ये अंदर से फीलिंग आती है कि ये मेरी बाबा के साथ बाबा के वरदान और शक्ति लेने का समय है, मुझे मिस नहीं करना है। तुरंत बैठ के बाहर निकलते हैं, और एक बारी मिस हुआ तो अनादिकाल कल्प कल्प के लिए मिस हुआ, वो ही संकल्प आपको बिस्तर से बाहर फटाफट लेकर के आएंगे। क्यों एक चांस मिस करो। तो ऐसी ऐसी बातें खुद को मना करके, एक समय का महत्व लेकर के आप आगे बढ़ेंगे ना,
इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ डीलिंग विद एनीबॉडी एल्स. यू अंडरस्टैंड, संस्कार मिलन हैज नथिंग टू डू विद द अदर पर्सन. इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मी. समझ में आई बात? इसलिए आपके प्रश्न बहुत होंगे, इसने मुझे इंसल्ट किया तो मैं क्या करूं उस समय? इसका कोई जवाब है ही नहीं. माल उसका था, शब्द उसके थे, और आप अपने आप को डस्टबिन बना लिया और फिर ज्ञान के लिए मांग रहे हो. पहले साफ करो डस्टबिन को, निकालो कचरा सब कुछ. समझ में आई बात? इसीलिए मुझे ये टॉपिक कोई बाहर रूप से नहीं हैंडल करना था. एक अंदर की अवस्था कैसी बनी रहे, हमारी स्मृति, हमारी कॉन्शियसनेस कैसी बनी रहे, वो आपको फिक्स फिट करना है. फिर आपकी गाड़ी चलेंगी, फिर आप चलते फिरते डोंट माइंड, डोंट, इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम. इजी इजी नेचर बनेंगे. जिसका नेचर इजी रहता है ना, प्यार की शक्ति बढ़ती है, टॉलरेंस बढ़ता है, बाबा आप पे ही काम कर लेता है. इसलिए स्वभाव को रिलैक्स रखो, इजी रखो, और आप देखेंगे बहुत सारी बातें इजी हो जाएगी. आप हो कौन? 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं. क्या नहीं किया है तो किसका डर है? तो इस नशे में सदा रहना है, खुद को लाइट हल्का रखना है, और जो भी आपके कंपनी में आए उनको हल्का करना है. ये बहुत पुण्य का कर्म है. ये दादी का धंधा यही था, बस कोई उदासी का चेहरा लेकर के उसको दो मिनट में हंसा करके, बस इसका यही धंधा था. किसी का दुख दर्द था बस उसको हल्का कर लेना. ये इतना अच्छा बिजनेस है हमारा. इसको छोड़ करके हम दिमाग में चिंता, भय, हमारे सोच में चले जाते टू मच थिंकिंग हो जाता है. इसलिए डोंट थिंक. नेचुरल है, हमारे संस्कार मिले हुए हैं, सत्युग का ब्लूप्रिंट है. जैसे आप नेचर में देखते हो झाड़ के बीच में टकराव होता है नहीं होता है ना? कोई उल्टा टेढ़ा उगता है, ये इस पे उगता है, ये कोई झाड़ पे ऊपर उगता है. ये नेचुरल है. हमारे बीच में भी एक नेचुरल है संस्कार मिला, लेकिन हम यहां फंस गए हैं, मैं मेरे के जाल में फंस गए हैं, तो महसूस नहीं होता है. ठीक है, क्लियर? थैंक यू. ओम शांति शांति शांति. नहीं नहीं, ताली नहीं बजानी है. ये किसका ज्ञान है? हाँ, बस थैंक्स देना है बाबा. चलो दो मिनट बाबा की याद में. तो भरपूर हो गए सभी प्रैक्टिकल युक्तियों से संस्कार मिलन की. तो बहुत जल्दी वो महाराज का दिन आ जाएगा, है ना? संस्कार मिलन का ही वो यादगार है महाराज. तो आपको तृप्त करने